में आने के बाद से भजनलाल शर्मा सरकार का स्वास्थ्य सेवाओं पर विशेष फोकस है। मरीजों को बेहतर सेवा उपलब्ध कराने के लिए राज्य सरकार तमाम आला अधिकारियों के जरिए अस्पतालों का इंस्पेक्शन करवा रही है। वहीं अब स्वास्थ्य विभाग ने एक नवाचार भी किया है, जिसके बाद अस्पतालों में स्थितियां सुधरना तय है तो कमियों पर भी तुरंत एक्शन होगा। क्या है वो नवाचार, इस रिपोर्ट में देखिए। एज ऑन टुडे आज की तारीख में इस समय तक 960 संस्थानों का इंस्पेक्शन हो चुका है, उसमें हमारे पास अच्छा जो फीडबैक आ रहा है। इस ऐप को जिले के CMHO भी एक्सेस कर पाएंगे। खराब स्थिति वाले चिकित्सा संस्थानों को सुधार का मौका भी दिया जाएगा और CMHO को सुधार की रिपोर्ट भी वापस भेजनी होगी। वहीं जहां सुविधाओं में सुधार नहीं होगा तो विभाग संज्ञान लेकर कार्रवाई करेगा। इसमें जो कोई कमी पेशी जैसे आ रही है मोटे तौर पर, उदाहरण के लिए कहीं कोई चिकित्सक उपस्थित नहीं है या सेवाएं उपलब्ध नहीं है, लेबर रूम में है जो कुछ कमी है, या अस्पताल के अंदर साफ सफाई शौचालय की स्थिति अगर उचित नहीं है, तो वो हमने एज ए CMHO को भी इसका एक्सेस दिया हुआ है। तो अपने ज़िले की वो रिपोर्ट देकर उसको वापस विद इन ए वीक है जो उसके सुधारात्मक है जो क्या है जो कार्रवाई भी है उसको भी हम उसको CMHO से मंगवाएंगे। सबका साथ सबका विकास के साथ सत्ता में आई भजनलाल सरकार प्रदेश की जनता को बेहतरीन स्वास्थ्य सुविधाओं को धरातल पर उतारने के लिए लगातार काम कर रही है। वहीं स्वास्थ्य विभाग का नवाचार अगर अमली जामा पहनता है तो प्रदेश वासियों को उनके जिले में ही बेहतरीन इलाज मिलेगा और इसके लिए उन्हें दूसरे राज्य में नहीं जाना पड़ेगा। जयपुर से न्यूज 18 के लिए सौरभ गृहस्थी की रिपोर्ट।